प्रभु मसीह के नाम में सबको प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आज की आशीष दे। वचन में सीधे प्रवेश करते हैं। प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। बीते कुछ रातों में हमने तीसरी अध्याय तक ध्यान किया था। सातों कलीसियों के माध्यम से परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बातें की हैं। सातों कलीसियाओं के माध्यम से परमेश्वर ने बहुत सामर्थी कार्य हमारे बीच में किए हैं। कलीसियों का समय खत्म होता है, सातवीं कलीसिया का वक्त अभी आगे बढ़ रहा है। छह कलीसियों का समय समाप्त हो चुका है, यह सातवीं कलीसिया का लौदीकिया कलीसिया का युग चल रहा है, जिसके बारे में परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। ना तो तू गर्म है ना तो तू ठंडा है, परंतु गुनगुना है। तू संसार में भी है, तू धार्मिकता में भी है, तू पवित्र जीवन भी बिताता है, अपवित्र जीवन भी बिताता है, तू दो नावों पर अपने पैर रखकर चलता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, भला होता तू ठंडा या फिर गर्म होता, रहना तो इस तरफ रह जा या तो उस तरफ रह जा, अगर गुनगुना है तो मुझे मेरे लायक नहीं है। गुनगुना सा जीवन जो आधा आधा का जीवन है, अधूरा जीवन है, परमेश्वर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं भला होता तुम इस संसार में संसार की अभिलाषाओं में जाओ, उसका अनुभव करो, वहीं पर नाश हो जाओ, या फिर उन सबको त्याग कर जीवन की राह अपना कर मेरे पीछे चलो, यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा और तुम इस तरह चलोगे, तुम्हारी हर परीक्षा में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जब जय प्राप्त करोगे मैं उस स्वर्गलोक में, नए स्वर्ग में, नए आकाश के नीचे, नए धरती के ऊपर, नई जीवन, अनंत जीवन के साथ तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो इन सारे कलीसियों के साथ प्रभु ने हमसे बातें की हैं। इसके बाद आज आगे बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा नजारा है। यहां पर एक अद्भुत दृष्टि है, यहां पर ऐसी अद्भुत एक दृश्य है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। यह बहुत ही खूबसूरत नजारा है जो अब से कुछ ही दिनों के बाद संभव होने वाला है। अब से थोड़े दिनों के बाद, अभी जो कली समय चल रहा है वो लौदीकिया कलीसिया का वक्त चल रहा है। लौदीकिया का कलीसिया का वक्त तब खत्म हो जाएगा जब ईश मसीह बादलों के ऊपर आएंगे, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे ही लौदीकिया कलीसिया का समय खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हम सब लोग इस अद्भुत नजारा को देखेंगे नहीं, इसमें प्रवेश करेंगे। तब तक हम इसे देखेंगे, इस धरती पर रहते हुए आप और मैं तब तक इस नजारा को हम हमारी आत्मा में देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य है, एक एक बात पर गौर करते जाइएगा। इन बातों के बाद, अर्थात जो इससे पहले हो चुकी थी कलीसियाओं के विषय में जो परमेश्वर ने कही थी, उन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की है, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। स्वर्ग में एक द्वार खुला है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने बातें करते हुए सुना था, वही कहता है। एक आवाज को उन्होंने सुना था आरंभ में, जिन्हें पहले उन्होंने सुना था, तुरही जैसा उनका शब्द था, उनकी आवाज जो थी वो तुरही के समान थी, और उसी ने मुझसे बातें की हैं। फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं, जिनको मैंने पहले अपने साथ में जो बातें कर रहा था, तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहां ऊपर आ, यहां ऊपर आ। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वो नीचे हैं और वो तुरही जो शब्द है वो ऊपर से बातें कर रहा है। अभी क्या कहते हैं, ऊपर आशा। एक बहुत ही अदृश्य, एक बहुत एक अद्भुत नजारा। इस प्रकार से प्रेरितों के काम में हम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए फिलिप्पुस से, फिलिप्पुस को कहा था, स्वर्गदूता का फिलिप्पुस से कहते हैं, फिलिप्पुस जंगल में एक मार्ग है,
जो यरूशलेम सो अज्जा नामक उस जगह पर जाता है, उस रास्ते पर एक खोजा जा रहा है, एक खजांची जा रहा है, एक मंत्री जा रहा है। वो अपने रथ पर बैठे हुए यशा नबी की किताब पढ़ रहा, तू जा उसके साथ जाकर मिल। फिलिप्पुस सभी स्वर्गदूत की बातों को सुनते हैं और दौड़कर जाते हैं, जाकर रथ के पास जाते हैं। और ये जो खजांची है, ये मंत्री है, अपने रथ पर बैठे हुए यशा नबी की पुस्तक में से पढ़ रहा था। और जब पढ़ रहा था, फिलिप्पुस को सुनाई दे रहा था। फिलिप्पुस रथ के बाजू बाजू में चल रहा था, रथ के साथ साथ दौड़ रहा था। और इस व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र की यशा नबी की किताबों को पढ़ रहा था, उसे सुन रहा था। और सुनने के बाद उनसे पूछा, जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझ पाता है? जो बातें तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझ पाता है? तो उसने कहा, अगर कोई मुझे बताए नहीं कि इसका भेद क्या है, तो भला मैं कैसे समझ पाऊं कि ये किसके बारे में क्या कहता है। इनकी वार्तालाप जब आगे बढ़ती है, ये जो मंत्री है अपने रथ पर चली रहे थे, और फिलिप्पुस रथ के साथ सड़क पर दौड़ते 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 बातें कर रहे थे। जब उनको लगा कि फिलिप्पुस इनकी इनकी जरूरत को पूरी कर सकते हैं, इनको शिक्षा दे सकते हैं, फिलिप्पुस की बातों से सहमत होने के बाद अपनी रथ को रोककर फिलिप्पुस को रथ में आने के लिए आह्वान देते हैं। तब तक रथ में आने का आह्वान नहीं मिला है। कोई अनजाने व्यक्ति को अपने रथ पर कैसे बिठाएंगे? वो अनजाने व्यक्ति को वो मंत्री किस प्रकार से अपने रथ पर बिठाएगा, और वो भी अपने साथ? हो सकता है उनकी जो काफिला है उनके आगे पीछे गाड़ियों में किसी वो बिठा दे, किसी रथ पर बिठा दे, लेकिन वो अपने साथ कहते हैं, आकर मेरे साथ बैठ जा और मुझे बता कि ये वचन किसके बारे में है। नबी अपने बारे में कहता है या फिर किसी और के बारे में कहता है? फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनको सारी बातें बता दी और उनसे कहा, ये ना तो नबी अपने बारे में कहता है, ना तुम्हारे बारे में कहता, परंतु तो ईश्वर के बारे में कहता है। और ईश्वर के बारे में बताते 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 वो उनको बपतिस्मा तक लेकर आते हैं। सड़क पर वाहन चल रही है, रथ चल रही है, रथ में मंत्री बैठा हुआ है, रथ के साथ सड़क पर फिलिप्पुस दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। लेकिन जब सही समय आया, उनको सम्मानित करके आह्वान करके रथ पर बिठाया गया है। स्वर्ग में से जो तुरही जैसी शब्द सुनाई पड़ रही थी, वो शब्द वहां से कह रही थी, 3 अध्याय उनसे बातें किया है, दूर से ही बातें किया है, तुरही समान से उन शब्दों से, उन आवाज से उन्होंने बात किया था। लेकिन 4 अध्याय में प्रवेश करने के समय कहते हैं, एक द्वार खोलकर, स्वर्ग में एक द्वार खोलकर, उस द्वार में से एक आवाज आती है, यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा, स्वर्ग में ऊपर आ जा। अभी धरती पर नहीं, अभी स्वर्ग में आ जा। अब तक तू धरती पर था, तू पत्मस की टापू पर था, अभी तू मेरे साथ तू स्वर्ग में आ जा। और वे बातें मुझे और ये बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तू ऊपर आ जा, क्यों? क्योंकि मैं ऐसी बातें तुझे दिखाऊंगा। अभी तक बताए हैं, गौर कीजिए इस बात को, अभी तक इनसे बताए हैं, लेकिन अभी कहते हैं मैं दिखाऊंगा जो होने वाला है। मानो ऐसा कि कोई बड़ा स्क्रीन रखा हुआ, उसके अंदर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रही है, एक एक क्लिप उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको दिखाते जा रहे हैं, फलाना दिन फलाना होने वाला, फला दे फलाना दृश्य उनके सामने दिख रहा है सब कुछ। अभी बोल नहीं रहा है, अभी जो कुछ भी यूहन्ना ने यहां पर देखा वो सब देखा हुआ चीजें हैं, इससे पहले सुना हुआ चीजें हैं वो सब। तुरही किसी आवाज में इससे पहले सुने थे, 3 अध्यायों में, 2 अध्याय कलीसिया के बारे में लिखते हैं, पहली अध्याय वो उस परमेश्वर के बारे में, उस प्रभु मसीहा के बारे में वो वर्णन करते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। दूसरी अध्याय में से 3 अध्याय में जब जाते हैं, 7 कलीसियों को जो संदेश देना था, उन संदेशों को उन्होंने सुना था और सुनकर उसको लिख रखा है। क्योंकि यूहन्ना से कहा गया है, जो कोई भी बातें तू सुनता है, तू देखता है, वो सब लिख कर रख। अभी लिख कर रखने का समय है, लिख कर रखते हैं। अभी तक जो तुरही किसी आवाज से सुन रहे थे, अब उसमें उस द्वार में प्रवेश करते हैं। कहां पर यह द्वार? स्वर्ग में एक द्वार है,
आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा अध्याय का दूसरा वचन। सर पहला वचन से देखते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो मैं क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले से तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है कि यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा। आपके घर के पास कोई आकर आपके घर के द्वार को खटखटाते हैं, अनजाने व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को आप तुरंत अंदर नहीं बुलाएंगे, दरवाजा आधा खोलेंगे, झांक कर देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, पहले वो हील होल में से देखेंगे कौन है ये, कोई तो है खड़े है, दरवाजा खोलेंगे, जब तक आपको लगेगा नहीं कि वे आपके किसी उपयोगी है, आपसे मिलने आए हैं या फिर आपके परिचित है, किसी और का आप उनको घर के अंदर आह्वान नहीं देंगे। स्वर्ग लोक में परमेश्वर हर किसी को आह्वान नहीं देंगे। स्वर्ग में प्रवेश करने का घोषणा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसके लिए योग्यता को प्राप्त करना है। क्या है योग्यता? सबसे पहली योग्यता यह है, जिसके कान हो वो सुन ले और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार ले। और तीसरी बात यह है कि वह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ले। चौथी बात यह है कि वह पवित्र शास्त्र के आज्ञाओं के आधार पर चलता रहे, उसे पवित्र शास्त्र के उन मापदंडों के साथ में चलना है, परमेश्वर के मापदंड के साथ में चलना है, परमेश्वर के मानक के साथ में हमें तोला जाएगा, उसके साथ नापा जाएगा, उसके अनुसार चलना है। पवित्र शास्त्र जो हमसे मांग रखती है, उस मांग के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं, परमेश्वर के राज्य में पहुंचने का योग्यता को प्राप्त करते हैं। और जो योग्यता को प्राप्त करते हैं, जो जय प्राप्त करते हैं, उनके बारे में सातों कलीसियों से परमेश्वर ने इनाम पुरस्कार और बहुमान के बारे में बातें की थी। अभी क्या कहते हैं? अभी यहां से आ जाओ, वो पुरस्कार के बारे में तुमने सुना है। यूहन्ना से कहते हैं ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। कहां ऊपर आ जा? स्वर्ग में। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, उस स्वर्ग में से द्वार खुला हुआ है, यहां ऊपर आ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद, अर्थात कलीसिया के बाद जो संभव होने वाला है, कलीसिया का युग खत्म होने के बाद, लौदीकिया का जो कलीसिया, आखिरी कलीसिया, अभी वर्तमान का समय 2020 चल रहा है, इसके बाद जो होने वाले हैं उनको मैं तुझे दिखाता हूं, क्योंकि इन बातों का पूरा होना अवश्य है, इनका पूरा होना तय हो चुका है, इनका पूरा होना अवश्य। दूसरे वचन में, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, मैं स्वर्ग प्रवेश कर गया, मैं स्वर्ग के भीतर क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक सिंहासन धरा से करते। देखिए उनकी आंखों के सामने बहुत चीज नजर आती है, लेकिन आरंभ करते हैं स्वर्ग में सिंहासन से, आरंभ करते स्वर्ग के सिंहासन से। आप अगर देखेंगे यूहन्ना और स्वर्ग के सिंहासन के बीच में बहुत कुछ और भी है, लेकिन वे क्या देखते हैं? सबसे पहले सिंहासन को देखते हैं। सिंहासन वहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सिंहासन पर यूहन्ना को जाकर बैठ, उस सिंहासन के साथ में जो सिंहासन है उसके पर यूहन्ना को बैठना है। उनके लिए एक सिंहासन तय किया हुआ है। यीशु मसीह के 12 चेलों के लिए 12 सिंहासन तय हो चुके हैं, इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। वे 12 चेलों के लिए वो सिंहासन वहां पर है, लेकिन अफसोस की बात है इस्करियोती दिया वहां पर नहीं पहुंचा, उनके जगह पर कोई और चले जाते हैं। कौन जाते हैं? भविष्यवाणी की गई थी भजन संहिता में, तेरा घर उजड़ जाए, तेरी नौकरी कोई और ले ले, तेरे घर में दूसरा बस जाए, मत्तिया नाम का एक व्यक्ति उस सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तो सिंहासन को पहले दिखाते हैं, उसमें कोई बैठा है। देखिए कितने सुंदर शब्दों में लिखते हैं, और सिंहासन पर कोई बैठा है, तीसरा वचन में, और जो उस पर बैठा है, सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है। अगर हमें यह वर्णन करना होगा, हम सीधा बोल देते हैं, मैं आकाश खुलता हुआ देखा, मैं स्वर्ग में चला गया, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह ऐसा वैसा। कहानियां नहीं चलता है, ये कहानियां धरती पर चलेंगे, ये कहानियां धरती पर
ये स्क्रीन पर, वो स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर, वो पावरपॉइंट पे, ये पावरपॉइंट पे चलेंगे स्टोरीज, ये स्टोरी सच नहीं है। क्या स्टोरी सच है? देखो, स्वर्ग में मैंने एक सिंहासन को देखा, उस पर कोई बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ है उस पर कोई बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ है क्या कहता है उसके बारे में, यशब मानिक सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। हम क्या दिखाते हैं? यीशु मसीह को ऐसा हाथ पकड़े हुए, दाढ़ी दिखाते हैं, सफेद कपड़े दिखाते हैं, एक छड़ी दिखाते हैं, गोद में एक मेमना को दिखाते हैं। आप इसमें देखे कहीं पर भी वो परमेश्वर का जो वर्णन कर रहे थे, उस परमेश्वर का वर्णन करते समय, उस सर्वशक्तिमान के सृजनहार परमेश्वर का वर्णन करते समय, यूहन्ना अपने आप को इन बातों में सीमित रखते हुए जो देखा है उसी को लिखते हैं, जो नहीं देखा उसको नहीं लिखा, जो देखा उसी को लिखा है, जैसा देखा वैसा ही लिखा है। एक सिंहासन धरा हुआ है, उस पर कोई बैठा है, और वो कैसा दिखाई पड़ता है जो उस पर बैठा है? वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान, पहला यशब है, दूसरा मानिक है, और तीसरा कैसा है? मरकत है। ये सारे चीज अगर आप किसी को देखेंगे, कोई कहते हैं ये ग्रहों को सितारों को अपने वश में करना है, मुझे किस्मत मेरा साथ नहीं देता है, धन मेरे पास रहता नहीं है, मेरे भाग्य मेरे पास रहता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, कभी यशब लगा लेते हैं, कभी मानिक लगा लेते हैं, कभी मरकत लगा लेते हैं, कभी नीलम लगा लेते हैं, कभी कुछ और लगा लेते हैं, कोई हीरे कोई मोती सब लगा लेते हैं, अंगूठियों में लगा लेते हैं, कुछ लोग हार पहन लेते हैं, कुछ लोग ताबीज बनाकर पहन लेते हैं। किस लिए? ताकि ये सारे ग्रहों को, ये सारे क्या बोलते हैं, सितारों को अपने वश में कर ले, वे सोचते कि ब्रह्मांड को अपने वश में कर ले। आप जानते हैं ये सब लगाने वाले क्या करते हैं? ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं और उनसे कहते हैं मेरी तरफदारी कर, मेरा साथ दे, मेरा साथ दे, अगर तू मेरा साथ देगा मेरे घर पर धन रहेगा। प्रभु क्या कहते हैं? धन के विषय में चिंता मत करो, जहां तेरा धन है वहीं पर तेरा मन है। आप अंगूठियों को देखते रहिए, किसी से मुलाकात करते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, चार उंगलियों में चार रहते हैं, दस उंगलियों में दस रहते हैं, गले में कुछ रहता है, कुछ रहता है, क्या कारण है ये सब? ये सब का कारण यह है कि वो किस्मत को, भाग्य को अपनी ओर आकर्षित करे। बहुत से ख्रिस्ती लोग भी ख्रिस्ती बनने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु के साथ चलने के बावजूद इन सारे हरकतों में घूंसते रहते हैं। ये कैसे दिखाई पड़ रहा है? परमेश्वर यशब और मानिक सा दिखाई पड़ रहे हैं, उसके सिंहासन के चारों ओर से मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई पड़ता है। हम जब आगे जाते हैं 21 अध्याय में, 22 अध्याय में जब जाएंगे, वहां पर नए यरूशलेम के बारे में दिखाएंगे, उसके जो नींव के पत्थर इनसे बने गए हैं, उसके जो नींव के पत्थर है, यहाँ के जो ये अंगूठियों में पहना जाता है, ये पत्थर इतने इतने पत्थरों को लाखों रुपए, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर देकर खरीदते हैं। ये पत्थरों से स्वर्ग बनाया जाता, उसकी नींव डाली जाती, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद डाली जाती है। वहां पर सड़क, परमेश्वर के राज्य का सड़क जो है वो सोने से बना होगा। किसके लिए बना रही है? सब उन सब लोगों के लिए जो यहां पर जय प्राप्त करते हैं, उन सब लोगों के लिए जो योग्यता को प्राप्त करते हैं, उन सब लोगों के लिए जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर, अपना प्रभु मानकर उनके साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, उस सिंहासन के अर्थात परमेश्वर के उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। फिर से श्वेत वस्त्र के बारे में लिखते हैं, फिर से श्वेत वस्त्र के बारे में, यूहन्ना का दिया हुआ स्वर्ग लोगों को चाहिए, यूहन्ना का दिया हुआ स्वर्ग राज्य चाहिए, यूहन्ना ने देखा हुआ दर्शन को लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन यूहन्ना ने जो तय किया हुआ श्वेत वस्त्र है उसको स्वीकार नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, नहीं हमें काला कपड़ा पहनना है। मैंने कल बताया था मंच पर आप कोई भी कपड़े पहन लो, लेकिन वेदी के सामने, परमेश्वर के सामने, उनके वचन के अनुसार चलो। चर्च कोई मंच नहीं है जहां पर लोगों का मन की, उन लोगों का मन बहलाने का काम होता है। चर्च कोई मनोरंजन की जगह नहीं है, कलीसिया मनोरंजन का जगह नहीं है, कलीसिया कुर्बानियों को लेकर जाने का, आराधना करने का, बलि चढ़ाने का एक वेदी है, अपने शरीर के अंगों को जीवित और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलियाग के रूप में अर्पण करने का जगह है वो कलीसिया, वो पवित्र मंदिर। उस परमेश्वर के मंदिर में जब जाते हैं, हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर के भावता हुआ जीवित अंगों के रूप में, बलिदान के रूप में अर्पण करना है। वो कलीसिया में जाते हैं गिटार पकड़ के, कीबोर्ड पकड़ के, ड्रम्स पकड़ के, ये माइक पकड़ के, वो माइक पकड़ के, काला कपड़ा पहन के, वो कपड़ा पहन के, ये लाइट लगा के, वो लाइट लगा के, लोगों का मन बहलाने का जगह नहीं है कलीसिया। कलीसिया लोगों का मनों को परमेश्वर के पास ले जाकर उनकी उनकी कुर्बानियों को परमेश्वर के पास अर्पण करता हुआ, परमेश्वर की आशीर्वादों को उनके पास लेकर आता हुआ, मनुष्य को परमेश्वर के साथ मुलाकात करवा हुआ, परमेश्वर की सानिधि को धरती के ऊपर, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की तेज और उसके प्रकाश को, उसकी सामर्थ को धरती पर लाता हुआ एक जगह है परमेश्वर की कलीसिया। 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठे हैं, आज्ञाकारी बनकर बैठे। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखते हैं, यहां तक आज्ञाकारी बना कि वो सलीब के ऊपर, हां सलीब के ऊपर मृत्यु को भी उसने स्वीकार कर लिया था। आज्ञाकारी बनना, आज्ञाकारी बनना, सलीब के ऊपर जाने तक वो आज्ञाकारी बना रहा। परमेश्वर की बात को उन्होंने नकारा नहीं था, परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने नकारा नहीं था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कुछ भी उन्होंने कहा नहीं था, किया भी नहीं था। एक दुखदा जब घड़ी आती है, यीशु मसीह कहते हैं पिता संभव होगा तो यह प्याला मेरे पास से हटा देना, लेकिन फिर कहते हैं मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। क्या कहते हैं वो, 14 वचन, और उस सिंहासन के चार वो 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों के ऊपर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है, उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। कल मैंने बताया था स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे तो अफसोस लोक में जाएंगे, अफसोस में पहुंच जाएंगे। यहां 24वें सिंहासन पर इस्करियत यहूदा को बैठना था, लेकिन अब बैठ नहीं पाया है। मैं फिर से इन बातों को पवित्र आत्मा में दोहराता हूं, स्वर्ग की ओर देखते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, संसार को ठुकरा दो, सारी संसार को कमा ले, लेकिन तेरी आत्मा को खो दे तो तुझे क्या लाभ होगा। संसार को ठुकरा दे, ये संसार को त्याग दे, संसार की अभिलाषाओं को त्याग दे, इसके सुखों को त्याग दे, परमेश्वर के वचन को अपना ले, परमेश्वर के मन को अपना ले। इस तरह से अपने आप को झुकाए हैं जैसा ऊन कटवाने के लिए जो भेड़ जाती है, यीशु मसीह ने भी अपने आप को वध के लिए सिद्ध किया, मौन हो गया, कुछ भी बोला नहीं है, वो मौन हो गया एक भेड़ के समान। इसलिए प्रभु ने कलीसिया को भेड़ के समान रखा है ताकि हम भी वध के लिए सिद्ध हुआ उस भेड़ के समान अपने सिर झुकाए परंतु उल्टा ना करें। पांचवा वचन, और सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं। उस सिंहासन में से क्या निकलते हैं, बिजली और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग का सा दीपक जल रहे हैं। सिंहासन में से क्या निकल रही है, बिजली और गर्जन निकल रही है। सिंहासन पर बैठा हुआ कैसा है वो, यशब मानिक मरकत के जैसा दिखता है। सिंहासन में से क्या निकल रही है, बिजली और गर्जन निकल रही है। सिंहासन के सामने क्या है, आग के साथ दीपक जल रहे हैं। ये कौन है, परमेश्वर की सात आत्माएं हैं, ये सातों दीपक कौन है, परमेश्वर की सात आत्मा है। छठा वचन,
और वो सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का से एक समुद्र है। सिंहासन के सामने क्या है? अभी समुद्र है, सिंहासन है, सिंहासन कोई बैठा है और बैठा हुआ कैसा है? यशब मानिक और मरकत सा है। सिंहासन में से क्या निकल रही है? बिजली निकल रही है, गर्जन निकल रही है। सिंहासन के सामने क्या है? आग के सात दीपक है। वहां से आगे क्या दिखाई पड़ रहा? समुद्र दिखाई पड़ रहा है। कैसा है वो? बिलोर के समान है वो, कांच के समान है वो, एक समुद्र दिखाई पड़ रहा। और उस सिंहासन के बीच में, उस सिंहासन के बीच और सिंहासन के चारों ओर, उन सिंहासनों के बीच और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। उस सिंहासन के चारों ओर कौन है? अभी चार प्राणियां हैं जिनके आंखें ही आंखें, कहा बाहर और भीतर भी। पहली प्राणी सिंह के मुंह के समान है, दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान है, छोटा प्राणी का मुंह उड़ते हुए आकाश के पक्षी के समान है। अभी आप मुझे बताइए, क्या स्वर्ग में कोई पशु होंगे? क्या स्वर्ग में कोई पक्षी होंगे? क्या स्वर्ग में कोई गाय बछड़े होंगे? निश्चय होंगे। नई धरती पर, नए आकाश में, जिस तरह परमेश्वर ने इस धरती को, इस आकाश को बनाया था, आरंभ में वो जैसा था वैसे फिर से बनाएंगे, वैसे उसे फिर से बनाएंगे। कौन कौन वहां पर जाएंगे? परमेश्वर के संतान तो वहां पर रहेंगे ही, मनुष्य जाति, सिंहासन, सिंह, सिंह मतलब जो जो क्या कहते हैं, जंगली प्राणी है, और जो बछड़ा है, बछड़े किसके? जो वन के प्राणी है, उसके बाद कौन है? मनुष्य, उसके बाद उखाब यानी आकाश में उड़ता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चारों प्राणियों के छह छह पंख है, और चारों ओर भीतर आंखें, चारों ओर बाहर और भीतर आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब प्राणी उसकी सिंहासन पर बैठा है, और जब प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन क्या कर रहे? सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे तेरी ही हैं, तेरी इच्छा से थी और तेरी इच्छा से सृजी गई हैं। यूहन्ना एक द्वार को खुला हुआ देखते हैं, वो द्वार स्वर्ग में खुला है, उस द्वार में से वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले वो एक सिंहासन को देखते हैं, सिंहासन पर कोई बैठे हुए हैं, वे कैसे हैं? यशब मानिक और मरकत के समान नजर आते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? सिंहासन में से बिजली गर्जन निकल आती है, सिंहासन के सामने दीपक है, और उसके बाद क्या है? सिंहासन के चारों ओर छह प्राणी है, और उसके बाद क्या है? सिंहासन के यहां से आग का, सॉरी क्या कहते हैं उसे, बिलोर के समान एक समुन्दर है, एक समुन्दर है, और वे सब प्राणियां, उनके छह छह पंख है, दो पंखों से वे एक दूसरे को पकड़ते हैं, दो पंखों से सिंहासन को उठाते हैं, दो पंखों से वे अपना मुंह को ढकते हैं। इन सारी बातों को फिर से हम लोग आगे देखते हैं। चारों प्राचीन, चारों प्राणियां क्या कहते हैं? स्वर्ग में जो परमेश्वर है उनके बारे में क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, उसकी महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा? सब 24 प्राचीन जो सिंहासन के चारों 24 सिंहासन है, जिनके श्वेत वस्त्र दिए गए हैं,
जिनके सिर पर सोने के मुकुट है, वे सब उठकर गिरकर उस सिंहासन के सामने अर्थात परमेश्वर के सिंहासन के सामने दंडवत करेंगे और अपना मुकुट फेंक कर कहेंगे, क्या कहेंगे वो, कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी और वे तेरी ही है, तेरी इच्छा से थी और तेरी सृजी गई है। इस संसार में हम जो दृश्यों को देखते हैं, पवित्र शास्त्र के दृश्य से पूरा भिन्न है वह। इसलिए आरंभ से परमेश्वर पवित्र आत्मा में हम सबको सख्ती से बता रहे हैं, इसकी नजरिए से उसकी नजर से ना देखना, पवित्र शास्त्र के नजरिए से देखना, पवित्र शास्त्र को पढ़ना, पवित्र शास्त्र की बातों को सुनना। वह पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे, सिखाएंगे जो था, जो है और जो आने वाला उसके बारे में। हम जो स्वर्ग के बारे में सुनते हैं, जो स्वर्ग यहां पर वो भिन्न है। हम जो कलीसिया के जीवन यहां पर देखते हैं, लेकिन बाइबल की जो कलीसिया की जीवन वो पूरी तरह से भिन्न है। हमें यहां के रीति रिवाज के अनुसार, यहां के पद्धतियों के अनुसार नहीं चलना है। हमें चलना है तो परमेश्वर के उस कलाम के आधार पर चलना है। परमेश्वर के कलाम के आधार पर श्वेत वस्त्र तभी दिए जाएंगे जब हम मेमने के लहू में खुद को धो लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, उसके वचन में शुद्ध किए जाएंगे, उसके योग्य की एक जीवन को बिताएंगे, हमारे अंगों को जीवित और भावता हुआ बलिया के रूप में अर्पण करेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यीशु मसीह ने उद्धार हमको दिया है, लेकिन उद्धार के बदले में यीशु मसीह हमसे भी कुछ चाहते हैं। हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन उनके योग्य होना चाहिए। अगर ऐसा ना रहा, हम यहां पर फाटक इस तरफ रह जाएंगे। फाटक इस तरफ क्रिस्ती, फाटक के उस तरफ क्रिस्ती, किस में हम रहना चाहेंगे? छुड़ाए गए क्रिस्ती या फिर बीचा बादलों के ऊपर उठाए गए ख्रिस्ती, किस में हम लोग रहना चाहेंगे? सवाल आपके सामने है, उत्तर आपकी जबान पर है, उत्तर आपके मन में है, आपके विचारों में है, आपके निर्णय में है। आप जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा पढ़िए, परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा सुनिए। आपकी इच्छा के अनुसार मत पढ़ना, आपकी इच्छा के अनुसार न सुनना। परमेश्वर जो चाहते हैं वैसा सुनिए, परमेश्वर जो चाहते हैं वैसा कीजिए। इन बातों के बाद जो होने वाला है, उन सब बातों को परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखा दिया है और वही बातें प्रभु ने आज आपको और मुझे भी दिखा दिया है। स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अपने आप को समर्पण करें। आइए सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दोहाई फिर से एक बार आपको देते हैं। प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय के माध्यम से जो दृश्य, जो दर्शन यूहन्ना ने प्राप्त किए हैं, जो आने वाले दिनों में संभव होने वाले हैं, जो हमारी आंखों के सामने प्रभु बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें हम सबको प्रवेश करना है, उस भाग्य को, उस योग्यता को आपने हमें प्रदान की है, धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको इस काबिल समझा है कि परमेश्वर हम आपके इन भविष्यवाणी के शब्दों को सुन पाए। आपका वचन कहता है जो सुनता है, पढ़ता है, मानता है, इसके अनुसार चलता है, वह धन्य है। आज ऐसी धन्यता आपने हमें, हमारी सारी कलीसियों को, सबको प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन सुना हुआ हर एक व्यक्ति को, प्रार्थना में सहमत हुआ हर एक व्यक्ति को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में, अगुवाई में हम सबको चलाए, आदर सम्मान महिमा प्राप्त करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सभागिता हम सबके साथ में प्रभु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे। आमेन, 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 आमेन। सबको जय मसीह की। कल रात को फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।